चीनी 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 आंखें खोल। चीनी आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पता नहीं आंखें नहीं खोलती है अचानक से। चीनी आप लोग बेकार परेशान हो रहे हो। I'm sure ये लड़की ड्रामा कर रही है। चीनी प्लीज आके खोल दो एक बार। पानी पानी लेके आए कोई? सुधीर जी पानी। हाँ मैं अंदर ले जाता हूँ। चीनी शुगर उधर जल्दी से पानी ले आइए। चीनी शुगर मेरी बात। चीनी शुगर आके खोलो अपनी। एक बार प्लीज आके खोलो ना चीनी। प्लीज एक बार आके खोलो ना। ये बेहोशी के ड्रामे का आइडिया किसका था इमली? तुम्हारा या इसका? इमोशनल ब्लैकमेल करके यही चाहती हो ना कि ये लोग तुम्हें यहाँ रोक लें? देखो तुम जॉन कहोगे ना वो ये करें। प्लीज एक बार आके खोलो ना। तो कहीं आ रहे क्या ना? ठीक है हम यही रहिए। अब बोली ना असली बात। यही रुक जाएंगे? यही रुकना चाहती हो ना तुम? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है इमली? मुझे पता है ये सब नाटक है। चीनी बेहोशी का नाटक कर रही है। चीनी उठ जाओ। मुझे पता है तुम बेहोश नहीं। ओ कम ऑन चीनी, मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो। उठ जाओ। उठ। हाथ पीछे। खींच के ना शरीर से अलग कर दी। 5 बरस माँ भी आप इस सीता मैया के आशीष की कदर करना नहीं सीख पाई ना। अब आपका चांस खत्म है। अब आप बस तभी सलामत है जब हमारी बिटिया से दूर है। दोबारा एक अछुए की कोशिश की इस ना तो सीता मैया की सौगंध। Enough, Emily. मिस चुको को हॉस्पिटल ले जाना होगा इमीडिएटली। लेट्स गो। चीनी चीनी उस 5 साल की इमली पार्ट 2 की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। डैम इट। बच्चे की हालत बहुत सीरियस है मिस्टर राठौर। अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। खून की जरूरत पड़ेगी। हमने ब्लड बैंक में चेक कर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर। मेरा और चीनी का ब्लड ग्रुप सेम है। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। जल्द से जल्द खून चढ़ाना होगा। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप क्या? बी नेगेटिव। वंडरफुल, आई एम बी नेगेटिव। मैं खून दे सकता हूँ। दैट्स गुड सिस्टर। इन्हें लेके जाइए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करवाइए। ओके चलिए। आफ्टर यू। ये चीनी की कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या? इससे पहले भी ऐसे ही बेहोश हुई है? जी डॉक्टर साहब, जब भी 3 महीने की रही ना तब ऐसे नहीं बेहोश हुई रही और तब भी का खून चढ़ाई की जरूरत पड़ी रही और हम यही अस्पताल में आए रहे। क्या आप इनकी माँ हैं? नहीं, पर हम खुशकिस्मत हैं कि हम का एक अली मिले जो उनका मालिक का अकेला छोड़ तीसरे। चीनी के बाबा बाहर देश में हैं और इनकी अम्मा एक बेसहारा छोड़ दी इसने। अब मैं खुद को और धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। तुम्हारे आने पे मैं तुम्हें वेलकम इन माय वर्ल्ड नहीं कह पाई, पर अलविदा अच्छे से कहूंगी। गुड बाय। गुड बाय।
पांच वर्ष माँ भी आप सीता मैया के आशीष की कदर करना नहीं सीख पाई ना, अब आपका चांस खत्म है। अब आप बस तभी सलामत है जब हमारी बिटिया से दूर है। इसका मतलब जीनी, जीनी मेरी बेटी है, मेरी और आदित्य की। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीना है इमली, मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा परिवार। मैं तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीनूंगी, मैं बस वो लूंगी जो मेरा अपना है, मेरी अपनी बेटी, मेरा अपना बदला। अब तुम्हारी जिंदगी में ना आर्यन होगा और ना जीनी। तुमने मुझे एक नया मकसद दिया है इमली, और बदले में अकेलेपन का तोहफा देना तो बनता है ना, मेरी बहन। बचपन को सुधारा जा सकता है, बैड लक को नहीं, और तुम मेरा बैड लक हो छीनी। मैं तुम्हें इस दुनिया में ये सोच के लाई थी कि तुम मुझे और आदित्य को एक बार फिर मिला दोगी, पर तुमने आर्य और रिप्ली को मिलाकर मेरा बनता काम बिगाड़ दिया। सीता मैया, पांच साल चीनी की तबीयत नहीं बिगड़ी, और आज वो बीमार हुई रही तो वही अकड़ बक्के के सामने जहाँ उनकी बीमारी के बारे में जानत है, वो का बचा सकत है और पहचान भी सकत है। पहचान तो मैं कई साल पहले गई थी कि तुम बस एक बोझ हो, पर ये बोझ तो मैंने पांच साल पहले ही उतार दिया था ना, अब तुम लौट के क्यों आई हो?